हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th SST। एज यू नो वेरी वेल, इन SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 3rd इन जियोग्राफी। इन लास्ट वीडियोज वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड वाटर एंड इट्स कंपोजिशन, और ये जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। प्रॉब्लम्स ऑफ अवेलेबिलिटी यानी पानी की उपलब्धता से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी आर ब्रीफली समराइज्ड बिलो। अब पानी की कमी क्यों पड़ती है इसको समराइज्ड किया गया है, यानी सारांश रूप में नीचे दिया गया है। तो पहला रीजन है इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो अनइवन है, हर जगह एक जैसा नहीं है। द वास्ट एरिया लाइक डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट्स रिसीव्स ऑलमोस्ट नील और वेरी लेस रेन। एक बड़ा सा एरिया जैसे कि डेजर्ट या सेमी डेजर्ट, आधा डेजर्ट जहाँ पर कह सकते हैं, जहाँ पर कम डेजर्ट है, कम बालू है, उस तरह का डेजर्ट को सेमी डेजर्ट्स रिसीव ऑलमोस्ट नील, लगभग लगभग ना के बराबर यहाँ पर बारिश होती है। बिसाइड्स सीजनल वेरिएशंस एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशंस अफेक्ट द अमाउंट ड्यूरिंग एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। एंड सेकेंड में इसमें दिया है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी हमारा पानी से जुड़ी हुई समस्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज ग्रोविंग वार्मर। हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो कंटिन्यू डे बाई डे क्या हो रहा है, गर्म होता चला जा रहा है। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। परिणाम स्वरूप ज़्यादातर ग्लेशियर हमारे क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। दिस कॉजेज सीरियस सीजनल इम्बैलेंसेस इन द फ्लो ऑफ वाटर और रन ऑफ। और इसके कारण क्या होता है, एक सीरियस सीजनल इम्बैलेंसेस यानी सीजन का जो इम्बैलेंस होता जा रहा है फ्लो ऑफ वाटर में। नाउ चेंजिंग कंजम्पशंस पैटर्न। इंडियन अर्बन ड्वेलर्स यूज 150 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे ऑन एन एवरेज। जो हमारा अर्बन ड्वेलर्स इट मीन्स जो हमारी शहरी जनसंख्या है उसको हम देखते हैं कि 150 लीटर वाटर्स पर पर्सन के एवरेज के हिसाब से एक दिन में वो पानी बर्बाद किया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द सिटीज एंड टाउन्स इज वाटर सप्लाई बाय द सिविक बॉडीज। और टाउन्स में जो वाटर सप्लाई का जो मेन सोर्स है वो हमारा सिटीज टाउन वाटर सप्लाई बाय द सिविक बॉडीज। ऑन द अदर हैंड पीपल इन रूरल एरिया हैव नो डिपेंडेबल सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा सिविल एरिया है, कंट्री साइड है, यानी गाँव का जो एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज या वाटर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं। Insufficient uses. Many people, particularly children, do not close the water taps after use. बहुत से लोग और बच्चे इस्तेमाल होने के बाद भी पानी का नल नहीं बंद करते हैं। Many people wash their clothes on the river banks. बहुत से लोग नदियों के किनारे अपने कपड़े धोते हैं। And uses drinking water for watering plants. और पीने वाला जो पानी होता है उसको सिंचाई करते हैं। एंड क्लीनिंग कार्स, उसी से कार साफ करते हैं। एज ए रिजल्ट मैनी एरिया हैव गॉन ड्राई। यही इसका परिणाम है कि बहुत से जो एरिया हैं वो क्या होते हैं, सूखे रह जाते हैं। नाउ राइजिंग पॉपुलेशन। पानी की कमी का दूसरा कारण बढ़ती हुई उभरती हुई जनसंख्या। द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस 7.33 बिलियन मार्क इन 2011 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.33 बिलियन पार कर चुकी थी। देयरफॉर इवर ग्रोइंग पॉपुलेशन कंज्यूम्स मोर वाटर। बढ़ती हुई जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन शहरीकरण।
अर्बनाइजेशन एंड यानी शहरीकरण औद्योगीकरण ऑफन गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर ग्रोविंग एट द फास्टर पेस, और दोनों ही बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। बोथ ऑफ देम डिपेंड ऑन वाटर सप्लाई, और दोनों वाटर सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। सिंस देयर इज नो ऑर्गेनाइज प्लान टू हाउ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज, अ कंटिन्यूस वाटर शॉर्टेज हैज़ बीन सीन इन रिसेंट ईयर्स। नाउ वाटर पॉल्यूशन, एक पानी की कमी का बड़ा कारण वाटर पॉल्यूशन भी है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द सेवरल फैक्ट्रीज लाइक ऑयल स्पिलिंग, ऐसा माना जाता है कि बहुत सी फैक्ट्रियाँ वो ऑयल स्पिलिंग, तेल स्पिलिंग करती हैं, डंपिंग ऑफ वेस्टेज, कचरा इकट्ठा करती हैं। दीज रीजन्स मेक वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन, और इन्हीं की वजह से पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। एंड लेड्स टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी पड़ जाती है। सच पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज वाटर बॉर्न डिजीजेस, और इस तरीके से ये पॉल्यूटेड वाटर पानी से जुड़ी हुई बीमारियों को न्योता देता है। एंड पोज अ ग्रेट थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीपल, और लोगों के जीवन को एक बड़ी धमकी दे रहा है। पिक्चर्स में आप देख रहे हैं रिवर्स आर पॉल्यूटेड ड्यू टू द सीवेज इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड गार्बेज, नदियों का जो पानी है सीवेज सीवेज के माध्यम से गंदा हो रहा है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्री से निकले हुए जो वेस्ट मटेरियल हैं, कूड़ा करकट कचरा है, उनकी वजह से गंदा हो रहा है। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूट होता चला जा रहा है। एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।